वेलकम टू माय ओ ग्रीन ग्रीन चिड़िया सरस्वती ना बनवाई थी कलम दे हिरे ही स्वाहा Hey Rajbita's Galaxy family, welcome back to the channel. Welcome to another fresh new vlog. और सुबह सुबह का टाइम है, मैं सूर्यदेव को दे रही थी जल और पूजन की तैयारी हो रही है अभी. और आज 31st of December, इस साल का यही लास्ट व्लॉग होगा. मैं आपसे मिलूंगी एक साल के बाद, यानी नए साल में 2020 में. व्लॉग हुआ था लॉकडाउन का, 21 ये साल रहा. पूरी साल आप लोग ने एंजॉय किया व्लॉग को, 22 में होपफुली आप लोग एंजॉय करेंगे और बने रहेंगे इसी तरह से मेरे साथ. और गाइस, यहाँ पे लड्डू गोपाल एंजॉय कर रहे हैं सनलाइट, धूप को एंजॉय कर रहे हैं मेरे लड्डू बाबू, क्योंकि नहलाने के बाद इनको थोड़ी देर, जैसे बच्चों को धूप में बिठाया जाता है, बड़े भी धूप को एंजॉय करते हैं सर्दियों के दिन में. तो अभी सर्दियों का ही दिन है और कड़ाके की सर्दी पड़ी हुई है हमारे दुर्गापुर में, तो इसलिए लड्डू बाबू को नहलाने के बाद मैंने इस तरह से टॉवल में बिठा दिया है धूप में. और थोड़ी देर, 2-3 मिनट के धूप सेकने के बाद ये चल जाएंगे अपने ही आसन में जहाँ इनको बिठाया जाता है, और फिर पूजन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. और जिन लोगों ने लड्डू गोपाल की सेवा के लिए पूछा था कि हम कैसे इनके लिए दान दक्षिणा दे, काफी दिनों से पूछ रखा था, और कुछ लोगों ने तो मेरे चैनल की शुरुआत से ही इनकी सेवा के लिए पूछा था, तो उनके लिए मैं बैंक अकाउंट मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी. अगर लड्डू गोपाल के लिए कुछ भी भेजना है, दान दक्षिणा कुछ भी देनी है, तो मेरा बैंक अकाउंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप लोग ज़रूर चेक कीजिएगा. और पर्सनली मुझसे अगर बात करनी है कि कुछ भेजना है गिफ्ट इनके लिए, तो इंस्टाग्राम में या मैसेंजर में मैं लिंक शेयर कर दूंगी मेरे इंस्टाग्राम पेज का, मैसेंजर पेज का, उसमें आप लोग मुझसे बात कीजिएगा पर्सनली. ये देखिए, यहाँ पे मैंने सारे समर के प्लांट्स रख दिए हैं इस तरह से. अभी आगे चलिए और दिखाती हूँ सामने का नज़ारा कैसा है, और मेरे विंटर के प्लांट्स जो मैंने लगाए थे वो कितनी प्रोग्रेस में हैं. ये सारे कपड़े यहाँ पे सूख रहे हैं, और यहाँ से घर है तो आपको पता ही है, इधर से बेडरूम है हम लोगों का, एंड जा रहे हैं. अभी मैंने ये दरवाज़ा खोल दिया है, and there the view of my front yard is there. और गाइस, ये जो कपड़ा आपको दिख रहा है इस तरह का, ये बनारसी टाइप की दुपट्टा है, तो इससे लक्ष्मी माता की साड़ी मुझे पहनानी है अभी, और उनको नई साड़ी बिल्कुल अच्छे से पिनअप से पहना लूंगी मैं, और उसके बाद शुरू करूंगी आगे का कार्यक्रम. और आज मैं कहीं जाऊंगी नहीं, क्योंकि आज साल का एंड है, लास्ट डे ऑफ द ईयर, तो आज कहीं जाने का मन नहीं कर रहा. आज कोई काम वगैरह मैं करने वाली हूँ नहीं, मैं आज घर पे हूँ. सुमन जी एज यूजुअल निकल चुके हैं काम पर, लेकिन मुझे आज कहीं जाने का मन नहीं है, मैं बस आज घर पे ही हूँ. और घर पे किस तरह से एंजॉय करती हूँ, मुझे जो जो अच्छा लगता है करना, मैं सारे काम आज कर लूँ. तो चलिए, आप लोग भी रहिए मेरे साथ और देखिए घर पे किस तरह से मैं एंजॉय करती हूँ. अगर बाहर भी थोड़ा बहुत गई विंडो शॉपिंग करने, तो ले जाऊंगी आप लोगों को, बने रहिए. और देखिए इस साड़ी से लक्ष्मी माता की एक खूबसूरत सी साड़ी मैं कैसे बनाऊंगी. ये साड़ी में दुपट्टा है, बनारसी दुपट्टा है, लाइक दिस, ऐसा वाला. गाइज, हमारा एक्वागार्ड जो घर का है वो थोड़ा सा इशू दे रहा था, तो सुमन जी इसे सही कर रहे हैं. गाइज, अभी शाम हो गई है और मैं इवनिंग स्नैक्स में ले रही हूँ ये यम्मी वाला केक, और एक केक मैंने रखा है सुमन जी के लिए. सुमन जी आ जाएंगे थोड़ी देर में, अभी थे, अभी कुछ देर पहले वो निकले हैं मटन लाने, क्योंकि आज के रात में जो हम लोग डिनर लेंगे तो उसमें बनेगी तंदूरी रोटी एंड बंगाली क्विजिन मटन कोशा विथ आलू. तो इस तरह से बीत रही है. और एक पार्सल आया है ऑनलाइन से, मैंने मंगवाया था, तो वो आ चुका है पार्सल मेरा. एड्रेस मैं दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ आपके साथ.
वो पार्सल, और इसमें क्या है दिखाती हूँ गाइस। इसमें है एक खूबसूरत सा, ब्यूटीफुल सा, एलिगेंट सा गाउन। जी हाँ, ये गाउन मैंने मंगवाया था, और इसको मैंने मीशो से मंगवाया था, मीशो ऐप से। तो मीशो में चल रहा है 70% 80% डिस्काउंट, इससे भी ज्यादा डिस्काउंट में अगर आप लोग लेना चाहते हो तो कभी कभी बहुत अच्छी डिस्काउंट मिल जाती है यार, मत पूछो। ये इतना खूबसूरत सा गाउन है, अभी नहीं पहनूंगी मैं, शायद मेरे बर्थडे वाले दिन में पहनूं, या फिर शायद कल पहन भी सकती हूँ, पता नहीं। बट इसकी कलर, इसकी डिजाइन, इसके स्लीव्स, इसका ओवरऑल मटेरियल एंड प्रिंट, बेसिकली मुझे बहुत पसंद आया है। और ये है हमारा इवनिंग स्नैक्स, जिसमें है चाल भाजा, बंगाल की फेमस। और ये वही लबाबदार डिनर है हमारा, मटन कोशा, तंदूरी रोटी और बटर नान के साथ। इस साल की लास्ट डिनर है ये। हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स। इसी तरह से डिनर करते हुए मैं विश करती हूँ आपको अ वेरी लकी, प्रॉस्पीरियस एंड हैप्पी न्यू ईयर 2022-21 में जितने भी आपके इनकम्प्लीट विशेस हैं, शायद 22 में पूरे हो जाए। मेरी तरह मेरे बहुत सारी विश लिस्ट है, आप लोगों के कितने हैं पता नहीं, लेकिन जो भी हो 21 की तरह 22 में भी आप लोग मेरा साथ दीजिएगा। और इस मजेदार डिनर के साथ आज के लिए करती हूँ बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।